गुड मॉर्निंग। हमने एक नया सीरीज शुरू किया हुआ है, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हो कि लगभग हर एग्जाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली वो फंडामेंटल टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी हमने कंप्यूटर अवेयरनेस दिया हुआ है। और आप अगर चैनल में जाएंगे तो कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसपे डेली हम कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि मुश्किल से डेली आपको 10 मिनट टाइम देना होगा और एक टॉपिक हम लोग कवर किया करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक जानकारी की थी। आज एक जनरली एक क्वेश्चन आता है, इनियाक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। ऑप्शन दिए रहेंगे तो यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनियाक था। इनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये 1946 में डेवलप हुआ था। जनरल पर्पज कंप्यूटर कहने का क्या मतलब यहां पे है कि इसके पहले जो कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे थे वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेवलप हो रहे थे। स्पेसिफिक पर्पज का मतलब क्या हुआ कि किसी ने एक मशीन बनाया और एक पर्टिकुलर कोई टास्क लेके कि इससे अगर ये काम करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेवलप किया गया, तो उसको हम जनरल पर्पज कंप्यूटर नहीं कहेंगे। जैसे आप सपोज करो कि आज भी कुछ स्पेसिफिक पर्पज डिवाइसेस डेवलप होते हैं, जैसे सपोज करो डोर अलार्म है या सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम है, दरवाजे पे लगा हुआ है, डोर पे लगा हुआ है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, आप आते हैं, आपका फेस रिकॉग्निशन होता है और उसके बाद आपकी एंट्री होती है। तो वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए कि सिक्योरिटी सिस्टम के लिए वो सारा कुछ डेवलप किया गया है, तो वो जनरल पर्पज कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा। जनरल पर्पज कंप्यूटर का मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं और उससे जिस भी तरह का काम करना है, जिस भी तरह का कैलकुलेशन करना चाहे कर। ये अलग चीज है कि जब ये डेवलप हुआ था तो बहुत सारी चीजें कंप्यूटर्स में नहीं होती थी जो आज हो रही हैं, वो डे बाय डे होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन इसको फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर कहा गया था। इट इज इनियाक, डेवलप्ड इन 1946 एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस। ओके, अब इसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टाइम पे भी कुछ क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, यहां पे जो क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि जनरेशन चेंज हो रहा है। आप इसे बहुत तरह से फेमिलियर हो, जैसे अगर बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो बुक्स में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि नया एडिशन आ गया है। तो एडिशन आने का मतलब क्या होता है? कुछ नए चैप्टर्स ऐड हो गए, कुछ नए कंसेप्ट ऐड हो गए, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड हो गए। या सपोज करो कि 2020 में अगर कोई बुक पब्लिश हो रहा है और आप उसको नया एडिशन कर रहे हो तो उसमें 2019 के पेपर्स जो एग्जाम हो चुके हैं वो आ सकते हैं, लेकिन 2020 में 2021 का पेपर तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नई चीजें ऐड होती हैं और उसको हम कहते हैं कि नया एडिशन आ गया। जैसे अभी आप न्यूज चैनल्स और हर जगह देख रहे होंगे कि CBSE ICSE बोर्ड का सिलेबस चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली जो बुक्स आएंगे, नए बुक आएंगे, उसमें वो चेंज सिलेबस के साथ आएगा और हम ये कहेंगे कि नया एडिशन बुक आ गया है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक इसी तरह से कंप्यूटर्स में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही तो यहां पे हम एडिशन ना के कुछ को क्या कर रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि द टेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, और ऑप्शन दिए रहेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट वैक्यूम ट्यूब। बात समझ में आ रही है? सेकेंड वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, और टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, उतना डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी क्या यूज होती थी? ट्रांजिस्टर यूज होता था। तो आपको यहां पे क्वेश्चन यही बनेगा कि द टेक्नोलॉजी यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी, आईसी वर्ड से आप लोग फैमिलियर हो, अगर कभी आपके घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान जैसे टेलीविजन या इस तरह का सामान खराब हुआ हो तो जो मैकेनिक या रिपेयर करने जो भी आता है तो अक्सर वो यही बोलता है कि आईसी जल गया है। तो आईसी जल गया है वो एग्जैक्टली यही आईसी है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है।
ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्यों कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप होते जा रहा था, जो कंप्यूटर डिजाइनर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, जो इसमें रिसर्च में लोग थे, उनका जो फोकस था वो इस पे था कि कंप्यूटर को इस तरह से डेवलप करना है कि दो तीन चीजें मेंटेन रहे। एक तो कंप्यूटर की साइज, यहां साइज का मतलब फिजिकल साइज से है, साइज कम होती जाए, छोटी होती जाए कंप्यूटर, कॉस्ट कम होती जाए, ठीक है, और स्पीड बढ़ती जाए, कैपेसिटी बढ़ती जाए। और ये इसमें हम लोग सफल भी रहे। आज आप एक नॉर्मल कंप्यूटर जो खरीदते हो वो आपको 20 से 25,000 में अवेलेबल है, मार्केट में 30,000 में अवेलेबल है। आज से अगर 40 साल पहले इस कैपेसिटी का कंप्यूटर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट करिएगा तो शायद आपको लगेगा कि वो करोड़ों रुपए में भी नहीं आता, पहली चीज। और 40 साल पहले करोड़ की कीमत क्या होगी आप वो कैलकुलेट करिए तो वो कई सौ करोड़ उसकी कीमत हो जाएगी। मतलब यह है कि उस समय वो टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं था, उसको अगर बनाने की कोशिश की जाती तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता। तो डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में या कंप्यूटर में, हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम को छोड़ दें, जो डिजाइनर्स थे उनका फोकस इसी पे था कि कंप्यूटर की फिजिकल साइज को कम किया जाए या मेंटेन रखा। फिजिकल साइज कम करने का पर्पज केवल यह था कि शुरू में जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, और इस टेक्नोलॉजी पे वैक्यूम ट्यूब की सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम थी, हीट जनरेशन। और अगर हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है तो आपको टू मेंटेन द टेम्परेचर प्रॉपर कूलिंग की व्यवस्था करानी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज या सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर आपको चेंज नजर आएगा या वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए साइज को मेंटेन करना था, कॉस्ट को हमें डे बाई डे रिड्यूस करना था, और स्पीड, कैपेसिटी, एक्यूरेसी इनको बढ़ाना था। तो उसी डेवलपमेंट फेज में ट्रांजिस्टर के बाद जो थर्ड फेज आया जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या कहा गया कि हम चिप्स बनाना शुरू करेंगे, और ये जो चिप्स हैं इस तरह से डिजाइन करेंगे कि छोटे छोटे चिप्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा फंक्शन के सर्किट एक सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर दिए जाएंगे। तो कई चीजों को अगर एक जगह फैब्रिकेट आप कर दे रहे हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। उसी से क्या कहा गया, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी थी उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोप्रोसेसर कहते हैं। माइक्रोप्रोसेसर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। तो जैसे मैंने अभी बताया ही आपको कि कंप्यूटर डिजाइनर का जो एम था, जो फोकस था, वो किस पे था कि हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। और साइज ऑफ कंप्यूटर को रिड्यूस करने में एक चीज और था कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर जिसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। तो जो प्रोसेसर है उसकी कैपेसिटी बढ़े और साइज उसकी ना बढ़े। तो उसके लिए क्या किया गया कि डेवलपमेंट में जो इंटीग्रेशन था आईसी, जैसे अभी हमने बताया कि एक सिंगल चिप पे बहुत सारे सर्किट को फैब्रिकेट किया है, तो बहुत सारे मैं कह रहा हूं कितने, तो इसके बेसिस पे जो इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी थी उसमें कई टर्म आए, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर MSI, MSI में क्या हो जाएगा, मीडियम, और बाकी सब वही रहेगा, स्केल इंटीग्रेशन। LSI क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये SSI, MSI, LSI, VLSI ये क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहां स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में एक सिंगल चिप पे 10 के करीब फंक्शनल कंपोनेंट फैब्रिकेट किए जाते थे, और ये बढ़ते बढ़ते VLSI में एक सिंगल चिप पे 1 करोड़ से ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट फैब्रिकेट किए गए। जो प्रोसेसर है उसकी साइज ये है और इस पे 1 करोड़ कंपोनेंट फैब्रिकेट किए गए हैं, तो 2 कंपोनेंट के बीच की जो दूरी होगी वो आप समझ लीजिए 10^-9 सेंटीमीटर का, अगर का नैनो टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, नैनो सेंटीमीटर के बीच डिफरेंस का होगा। तो इस तरह से किया गया। तो जो थर्ड फोर्थ था, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, और माइक्रो प्रोसेसर में जो इंटीग्रेशन था दैट इज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था इसमें इंटीग्रेशन को कहा गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक तो ये नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट के बेसिस पे हुआ, और दूसरा जो फिफ्थ जनरेशन में कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा फोकस है, वो किस पे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर्स को हम लोग यूज करते करते, कंप्यूटर एक मशीन की तरह से यूज कर रहे थे, और धीरे धीरे इसको यूज करते करते हम इस तरह से इसको डेवलप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका हो बिल्कुल ह्यूमन की तरह से हो, वो बिल्कुल हमारे तरह से काम करे। अब हमारे और कंप्यूटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज समझने की है। हम अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कंप्यूटर अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है। हम खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं लेता है। कंप्यूटर जब भी डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं और जो डेटा उसमें स्टोर्ड है उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन लेगा, जबकि हम अपने बेसिस पे भी डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर को सारे कंडीशंस उसमें डालते जाएं, सारे डेटा उसमें डालते जाएं और इस तरह से प्रोग्राम करें कि वो हर कंडीशन पे डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाए, तो कंप्यूटर का बिहेवियर किस तरह से हो जाएगा? ह्यूमन की तरह से बिहेव करने लगेगा। और हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। तो एआई जो इस समय डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इसी पे हो रहा है, ये क्या है कि कंप्यूटर को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो एक ह्यूमन की तरह से बिहेव करना लगे। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी बन रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक कंप्यूटर पे बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है कुंडली के लिए, हॉरोस्कोप के लिए। उसमें क्या होता है कि आप बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ डालते हो और वो आपकी पूरी जन्म कुंडली बना के दे देता है। और अगर आप किसी ज्योतिष के जानकार पंडित के पास जाते हो, क्योंकि ज्योतिष पे काम करने वाले के पास जाते हो, तो वहां भी आपसे वो डेट ऑफ बर्थ लेता है, प्लेस ऑफ बर्थ लेता है और कहता है कि कल आइएगा, परसों आइएगा, और वो आपको एक कुंडली बना के दे देता है। और आप अगर इस कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो आप डेटा दिए, 5 सेकंड में 7 सेकंड में आपका कुंडली बन जाएगा और उसको प्रिंट कर लीजिए, 30 से 40 पेज का आपका एक हॉरोस्कोप तैयार हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि अगर इस कंप्यूटर को एक पर्दे के पीछे रख दिया जाए तो आपको क्या लगेगा कि उसके पर्दे के पीछे एक ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो 5 सेकंड में 10 सेकंड में ही आपकी कुंडली तैयार कर दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स को, एक एक्सपर्ट नहीं, कई सारे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करके और उनसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो जो इसका आउटकम होगा, जो इसका डिसीजन मेकिंग होगा, आप किसी एक ज्योतिष के पास जाते हो वो कुछ और बताता है, दूसरे ज्योतिष के पास जाते हो कुछ और बताता है, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलते हैं। यहाँ पे उन दोनों को और उस जैसे सैकड़ों और ज्योतिष का इंटरव्यू ले लिया गया और उन सबसे वो मिला के जो उसमें से बेस्ट ऑप्शन है, जो जिसपे ज्यादा यूनानिमस डिसीजन जिसपे है, उसको इसमें फीड किया गया। तो इसकी एक्यूरेसी, अगर आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हो तो आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम की तरह से काम करेगा। तो ये सब कुछ किसमें चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा अभी नहीं हो रहा है। उसका केवल एक रीजन है कि अभी भी कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीजें ऐड करनी बाकी हैं, तभी उसका बिहेवियर ह्यूमन की तरह से हो पाएगा, अदरवाइज हम उसको कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे। और इस चीजों को आप ज्यादातर फेमिलियर हो गए, अगर आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी तो उसमें काफी कुछ दिखाया गया है कि किस तरह से वो रोबोट काम कर रहा है और कब आपके एक्शन को नहीं मानना, तो ये सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर और VLSI टेक्नोलॉजी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब सपोज कीजिए कि ऑप्शन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दिया है, AI ने दिया है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो आप इसमें से कोई भी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।